मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी बीजेपी ने शुक्रवार को पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज भी देश में तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने उज्जैन की घटना को लेकर कहा कि राज्य में तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन की घटना में सरकार ने संज्ञान लिया है। वहीं शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर संबोधित करते हैं, बाटलाइन हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। आज भी इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर तालिबानी मानसिकता के लोग आज भी हैं। मैंने तो नाम का उल्लेख किया था, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जब आतंकवादियों को प्रेरित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से प्रूफ जानना चाहते हैं, पूछते हैं, मोहनचंद शर्मा की शहादत को फर्जी एनकाउंटर कहते हैं और आतंकवादी के समर्थन में उनके गले मिलने जाते हैं जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है, ये तालिबानी मान सकता है। ऐसे जगह जगह पर लोग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जेल की हवा खाई है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे।